इंदौर के कनाड़िया क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक पिता ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से बेटे पर ही गोली चला दी। गनीमत रही कि गोली बच्चे को नहीं लगी। अब मामले में पुलिस ने शराबी पति के खिलाफ पत्नी के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल घटना इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां 3 दिन पहले क्षेत्र में रहने वाली बबीता दुबे द्वारा थाने में आकर बताया गया कि उसके पति शराब के नशे में अक्सर उससे मारपीट करते हैं। 3 दिन पहले भी उन्होंने शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाई तो उसके बेटे को गोली लगते लगते बच गई। मामले में शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज फरियादिया बबीता दुबे द्वारा थाना कनाड़ा पे आके सूचना दी गई कि उसके पति द्वारा आए दिन शराब पीकर उसके साथ झगड़ा किया जाता है और उसी के द्वारा परसों दिनांक को रात्रि करीब 9:30 बजे नशे की हालत में उसकी जो लाइसेंसी बंदूक है 12 बोर की, उसे लोड किया जाकर अपने पुत्र को विवश किया गया इस चीज़ के लिए कि उसके द्वारा गोली चलाई जाए। उसके पुत्र के द्वारा मना करने पर स्वयं द्वारा जो बंदूक लेकर उसके द्वारा फायर किया गया, जिस पर यह हुआ कि गोली चलाने से उसके पुत्र के पास से जो गोली निकली, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। ये रिपोर्ट पर से थाना कनाड़िया पर 336/506 का मुकदमा दायर किया गया, जिसमें जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर जो उसके लाइसेंसी बंदूक है उसके निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पुलिस मामले में आरोपी के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त करने के लिए भी कार्यवाही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंदौर।